ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि यार हमारे बच्चों ने फोड़ी है इनफैक्ट आपको आई आई टी बॉम्बे रोड की भी दिख रही होगी गए आई आई बॉम्बे वाले के बच्चे की स्टोरी आने वाली कैसे बच्चा यहां पहुंचा तो ये सारे वो बच्चे हैं जो कि शायद पहले कैमरा के उस तरफ थे पर अब स्क्रीन के इस तरफ आ चुके हैं आज के दिन यार इंडिया में बच्चा काफी परेशान है स्पेशली इस चीज को लेके कि यार कॉलेजेस के अंदर काफी हाई फीस है आपकी सात लाख से लेकर पच्चीस लाख रुपए तक की फीस दी जाती है पर उसके बावजूद जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही होती है और जो प्लेसमेंट में कंपनी पूछ रही होती है इसके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है एट द सेम टाइम कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहां पे बच्चों के एक बैच में हजार बच्चे दो हजार बच्चे चार हजार पांच हजार बच्चे तक होते हैं और वो सारे एक लिमिटेड कंप्यूटर साइंस की सीट्स के लिए कंपीट कर रहे होते हैं कि जब कंपनी आएगी तो हमें सेलेक्ट कर ले तो ऐसे दौरान के अंदर हमारी यार एक छह महीने से बारह महीने की एक डेडिकेटेड मेहनत की बड़ी जरूरत है एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सीखने को तो क्या स्पेसिफिक सीखा जाए जैसे एज अ फ्रेशर

जो कि यार हमारे हजार स्टूडेंट्स हैं जो कि इन कंपनीज में यार प्लेस हुए हैं उनसे हमने फीडबैक लिया एट द सेम टाइम कंपनी जो रिक्रूट कर रही है वो प्रोसेस हमने देखे और हमने देखा यार इसको और कैसे कंप्लीट एक प्रिपरेशन बनाई जा सकती है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज यार यहाँ पे आपको ऊपर माइक्रोसॉफ्ट गूगल भी दिखेंगे तो एट द सेम टाइम आपको टेक सर्विस बेस्ड कंपनीज भी दिखेंगे जैसे इन्फोसिस विप्रो वगैरह तो हर एक के लिए आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी से थोड़ी डिफरेंट होती जाती है और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे टुडे वी आर लॉन्चिंग द न्यू सिग्मा 3.0 और सिग्मा वन ऑर्ट टू के बारे में तो यार आपने शायद सुना होगा में हमने एक नया मेजर एडिशन किया है एंड वॉट इज दिस एडिशन इसके बारे में हम धीरे जल्दी से बात कर रहे होंगे तो यार सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं एनिवन स्टार्टिंग कॉलेज जर्नी टेक के अंदर आपको जॉब लेनी है सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ ईयर बीटेक बी स्टूडेंट बी एमसी स्टूडेंट किसी को भी टेक इंटर्नशिप प्लेसमेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर आप फोड़ना चाहते हो तो उन सारे बच्चों के लिए कॉलेज के पहले दो साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके अंदर अपनी जीपीए है उसको अच्छे से पकड़ के रखना कीप अ गुड ग्रिप ऑन योर जीपीए यूमस कॉलेज आते ही मैं कर लेता तो, से पांच सात साल पहले हुआ करता था अब कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ चुका है वॉट विल बी कवरिंग हम यार डीएसए को कवर करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सेकेंड डेवलपमेंट को हम कवर कर रहे होंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टारगेटिंग स्टार्टअप एट द सेम टाइम आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो टॉप कंपनीज है उधर भी ये हेल्प करेगा एंड देर इज अ थर्ड न्यू एडिशन एंड दिस न्यू एडिशन विल हेल्प यू क्रैकिंग द फिनटेक एज वेल एज दर्विस बेस्ड कंपनी तो ये क्या चीज है और ये कैसी चीज़ है जो कि हर बच्चे को करनी पड़ रही थी बस वो जुगाड़ देख रहा था कहाँ से कैसे क्या करें कई बच्चों को पता ही नहीं होते थे जब एकदम प्लेसमेंट आते थे फिर एकदम से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे पहले लेट्स टॉक मोर अबाउट डीएसए एंड वेब डेवलपमेंट राइट सो दीज आर ऑल द टॉपिक सर हमने देखा कि डीएसए के कई सारे क्वेश्चन है बट इफ समी एज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तो कौन से तीन सौ डीएसए क्वेश्चन करने चाहिए और उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके श्रद्धा में हमने बना के दे रहे होंगे

सेकेंड चीज जो पढ़ते हैं उसके अंदर हम से पढ़ रहे होते हैं पूरा अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे अरेज से स्ट्रिंग से टू डी एरेज सर्चिंग सॉर्टिंग और लिंक लिस्ट टैक क्यूज अपने ट्रीज बी एस टीज हो गए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एंड फिर फाइनली अपना एडवांस से हम डिटेल में कवर करेंगे जिसमें ग्राफ्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया हैश हीप्स हमारे सेगमेंट ट्रीज को भी हम कवर करेंगे अब ये तो हो गया डीएसए कम्पोनेट इसके साथ में चार मेजर थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को जो टेक प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं उसको पढ़ने ही पड़ते हैं

और ये टीए हैं ये आपके इंडिविजुअल डाउट्स हैं जो इंडिविजुअल डाउट्स है उनको कैटर करते हैं फिर आपके 50 लाइव सेशन होंगे मेंटर्स के साथ तो ये आपके हर ऑल्टरनेट डे होंगे ग्रुप क्लासेस होती हैं और इसमें जो भी ऑनगोइंग टॉपिक होगा ये आप इनसे पूछ सकते हो डाउट प्रैक्टिस वगैरह जो भी है ये भी डाउट सॉल्विंग के लिए आप एक तरीके से बनाई चाहिए एडिशनल असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको और उनके सोल्यूशन भी दिए जाएंगे तो कोशिश करिए हर चीज को जितना कॉम्पैक्ट रख सके स्ट्रक्चर्ड रख सके और बेसिक से उठा के हम एडवांस तक उस चीज को जा रहे हूँ नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं विच इज द मेंटरशिप बाय श्रद्धा मैम तो आ, ये यार वो सारी चीजें हैं जो कि बीच बीच में गाइडेंस जो, जो हम बच्चों को अपने सारे दे रहे होते हैं तो ऐसे में सबसे मेजर होता है कि यार आपको रिज्यूमे किस प्रकार से अपना प्रिपेयर करना चाहिए एट द सेम टाइम ऑफ कैंपस में अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो कहाँ कहां पे हमें यार बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं ऑनलाइन पोर्टफोलियो हमारे क्या होंगे टेक इंटरव्यूज किस प्रकार से प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोजेक्ट्स किस प्रकार से हमें के अंदर रखने जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपको कराएंगे वहां पे हम बेसिकली आपको सिखा रहे हैं कि इमारत बनाने कैसे एंड देन वी आस्क यू टू मेक अ यूनिक प्रोजेक्ट बाय योर ओन जिससे कि यार आप स्टैंड आउट हो पाओ उसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो हम आपको बताएंगे रिविजन ऑफ डीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बार यार हम डी एस कंप्लीट कर लेते हैं देन वी मूव टू डेवलपमेंट पर जब डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं तो डीएसए हमारा छूटना नहीं चाहिए इस चीज को ध्यान रखते हुए एंड एट द सेम टाइम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने होते हैं दोनों को मर्ज किया और हमने 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैंग मैंग मतलब जो भी आपके टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्योंकि इनके अच्छे डीएसए क्वेश्चंस होंगे

और बाकी यार हमने आगे आएगी वो चीज कै हम टेलीग्राम में काफी टच पर रहते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर नो लेट्स टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट को यार हमने दो हिस्सों में बांटा है जिससे आपको ईजिली समझ में आ पाए पहले हम लर्निंग एंड स्टेप प्रोजेक्ट पे ध्यान देंगे शुरुआत के फर्स्ट फाइव मंथ अब लर्निंग के अंदर हम क्या कर रहे होंगे शुरुआत में स्टेप प्रोजेक्ट मतलब टेक्नोलॉजी सीखी और उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया टेक्नोलॉजी सीखी और प्रोजेक्ट बना लिया जिससे प्रोजेक्ट के साथ सीख रहे हो तो रियल टाइम वेदर हो गया साइम्स गेम हो गया आपका स्पॉटीफाई हो गया नेविगेशन बार वगैरह हो गया फ्रंट एंड में हम आपका ये सारी चीजें जो हो गई टेलवेन बूट स्ट्रैप रियक्ट नोट जेस बैक एंड में एक्सप्रेस जेसा बेस में मॉन्गोडीबी दोनों हम कर रहे होंगे रेडक्स वगैरह टेक्सटैक आपका मर्न हो रहा होगा और जैसे ही हम यार इसके ऊपर एक ग्रिप बना लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में देखो दो महीने में तीन महीने में चीजें नहीं बन पा रही होंगी आप फालतू तो अपने ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना लें कभी भी आपको एक अच्छा पहले हम बेस बनाना जरूरी है एक बार वो बन गया कि आपको यार कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी ग्रिप है देन विल मूव टू द असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट मैम आपको बेहतर बता पाएंगे असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं शुरू के पांच महीने के अंदर फिर हम उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बना सकते हैं इसमें हमारा एयरबीन का फुल स्टैक प्रोजेक्ट आ जाएगा जिरोदा आ जाएगा जिसमें हम एडब्ल्यू के ऊपर डिप्लॉयमेंट भी सीखेंगे और जेस्ट को यूज करके यूनिट टेस्टिंग भी सीख रहे होंगे अब चाहे एडब्ल्यू डिप्लॉयमेंट हो गया चाहे यूनिट टेस्टिंग हो गई ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फ्रेशर से नहीं पूछते हैं कंपनी पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मान लो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जो आगे की चीजें सीखना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली वो सारे रिसोर्सेज हमने दे दिए है प्रोजेक्ट के थ्रू हम लर्निंग कर रहे होंगे चैट जीपीटी के अंदर ओपन एयर एपीआईस को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे लिंग के अंदर सोशल मीडिया नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं गिटअप के अंदर वर्जन कंट्रोल को एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जूम के अंदर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग हम कैसे कर सकते हैं जिसके अंदर हम सॉकेट आयो और वेब आर को यूज कर रहे होंगे तो ये भी एडिशनल आगे के कॉन्प्ट हैं जो जनरली फ्रेशर से एक्सपेक्टेड नहीं होते पर फिर भी आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एडवांस्ड मोन स्टैप को सीखना चाहता है एडवांस वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं तो वो हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की फॉर्म में इसको यार हमने इस प्रकार से बनाया कि ये वाला सेक्शन है ये तो आपके लिए कंपलसरी हमने रखा है बट आउट ऑफ दिस इट्स टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू डू फाइव प्रोजेक्ट्स यू कैन डू ऑल फाइव प्रोजेक्ट्स बट आपको लगता है आपके पास टाइम कम है तो यू कैन ओनली डू टू प्रोजेक्ट्स या आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये इस, इस प्रकार के रखने हमने इसलिए रखा है कि कई बार बच्चा चाहता है फिनटेक कंपनीज के लिए मेरे पास इस के प्रकार के प्रोजेक्ट हो तो हमने जीरोदा वगैरह को इन्वॉल्व किया फिर बाद में बच्चा साथ जाता है कि तो डेर प्रोजेक्ट्स जिनकी अलग अलग रीजनिंग है सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है उन्हें तो हम कहेंगे सारे कर लो थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट जिसके पास टाइम कम है वो सिलेक्टेड कर सकता है फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बिग एडिशन एंड इट इज क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड वर्बल और ये सारा का सारा हम पांच से दस दिन के प्रिपरेशन के अंदर कर रहे होंगे जब भी यार आप टेक प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे होते हो एंड दिस विल हेल्प यू इधर आर टारगेटिंग सर्विस बेस्ड कंपनीज और यू आर टारगेटिंग कंसल्टिंग फर्म्स और यू आर टारगेटिंग फिनटेक फर्म्स इनके अंदर क्या होता है जैसे ही आप अपना रिज्यूमे दे दोगे सीजीपी के बाद ये आपको फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन आपके एप्टीट्यूड द राउंड वो क्लियर कर दोगे तब आपका प्रोग्रामिंग राउंड हो रहा होता है इन मेनी ऑफ द कॉलेजेस इन मेजोरिटी ऑफ द सर्विस बेचिए जितनी भी आपको कंपनी दिख रही है केपीएमजी पी बीसीजी एक्सटेंशन टीसीएस विप्रो इन्फोसिस एच सी एल कैप जिमनाइ एंड मेनी अदर्स तो इसके अंदर यार अब एस एस सी कैट के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो तो महीने तैयारी करते हैं पर हमारे पास महीनों टाइम नहीं है और साथ में बीटेक वाला बच्चा जो होता है ऑलरेडी उसे चीजें पता होती है तो दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर इंजीनियर्स एंड टेक स्टूडेंट्स जिनकी ऑलरेडी अच्छा है में में आपने सारी चीजें अच्छे से से पढ़ रखी है। अब हमें दिन इसकी सबसे बड़ा हाथी है, उसके बाद और मेजर फोकस विल बी ऑन वेब डेवलपमेंट की इसके ऊपर पकड़ बनानी है देन जैसे ही कंपनी आई और आपको पता चला कैप जब नहीं आ रही है एक्सेंचर आ रही है और क्वालिफाइंग राउंड में आ रही है चीज पूछेगी देन आप पांच से दस दिन में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो

जो रीजनिंग के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं सो इन मेनी ऑफ दीज राउंड बट फॉर जितना एप्टीट्यूड में लाएगा, वो क्वालिफाई हो रहा होगा सात लाख वाली जॉब के लिए वो क्वालिफाई होगा ग्यारह लाख वाले सात लाख इज वेब डेवलपर आगे वाले एर के लिए तो इस प्रकार से वॉट वी एव ऑल्सो एड एट इज टीसी के पेपर्स भी हमने एड करे हैं जिससे कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन पा रहा हो

सिग्मा मेंबर्स के लिए यार हमने क्या करा है ये जितने भी हमारे बच्चे होते हैं वो साथ में एक तरीके से ऑनलाइन अपना पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे का एक तो वो डाउट देख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि आई एम नॉट द ओनली वन वो बाकी सारे बच्चे भी लगे हुए हैं और कंसिस्टेंसी मेरे को लगता है आप कमिट करते हुआ और सिग्मा मेंबर जो होता है यार वो एक तरीके से कंसिस्टेंसी कमिट कर रहा होता है कि यार अब मैं इसके अंदर इतनी मेहनत करके इन्वेस्ट करके आया हूं तो अब हर दिन मेरे को इससे आर निकालना है मुझे इसे पूरा करना है हर दिन जो परोसा जा रहा है वो मुझे निपटाना है जॉब अपडेट्स नोटिफिकेशन इस बार हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होंगे जो भी हमारे एंड पे आएंगे वो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे एट द सेम टाइम थ्री लैक वर्थ प्राइस ओनली फॉर टॉप स्टूडेंट्स ये हम पहले भी देते थे इस बार आपको बस मैंशन कर रहे हैं हमें कोई बच्चा देखता है जिसकी प्लेसमेंट लग जाती है उसके पास लैपटॉप नहीं है या फिर हमें लगता है किसी ने कोई आउट परफॉर्म कर रहा है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये कुछ चीजें रखी हैं एट द सेम टाइम अपना कॉलेज से यार अब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि एज अ टी इंटर्नशिप ले चुके हैं ये वो बच्चे होते हैं जो कि पहले तो यार बैच के अंदर पढ़ रहे होते हैं फिर हम छाट लेते हैं टेस्ट के बेसिस पे कि कौन सबसे अच्छे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। इनिशियली ये स्टूडेंट्स पहले अपनी पढ़ाई करते हैं उसके बाद यार जो अच्छे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन्हें पेड इंटर्नशिप दे देते हैं एज अ टी तो उनका रिविजन हो जाता है बचे हुए टाइम में क्योंकि वो बाकी सॉल्व करने में हेल्प कर रहे होते हैं राइट right, साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं सो दिस इज वॉट सिग्मा एंड द द्लासेज बताना भूल गए विल स्टार्ट फ्रॉम ऑफ मई तब तक यार आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स मोस्ट केसेज में खत्म हो चुके होंगे और हमारे पास आएंगे समर ब्रेक और समर ब्रेक वो टाइम होता है यार जहां पे हर बच्चा जबरदस्त तरीके से पढ़ रहा होता है स्पेशली आप चाहे किस भी कॉलेज में हो आप अगर एक फ्रेशर है देन तो आपके लिए एकदम मैजिकल वो टाइम है जैसे कहते हैं कि भाई इसको आप वोट के पी लेना तो कॉलेज के फर्स्ट टू ईयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आई होप इस प्लेसमेंट जर्नी के अंदर यार आप मेहनत करने के लिए रेडी हूं तभी आना राइट क्योंकि हम हर दिन यार तीन से चार घंटे की मेहनत कर रहे होंगे तभी जाकर रिजल्ट निकल पाएंगे छह महीने से साल भर की यार हमारी डेडिकेटेड जब मेहनत लगेगी राइट तब चीजें हो पा रही होंगी बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं यार हमने देखे हैं मुश्किल होता है एक टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर स्टूडेंट के लिए चीजें निकालना एज टू अ बट यस अगर अगर उस बच्चे को अगर चार महीने लगे थे और आप अगर महीने लगाने के लिए रेडी हो तो यार आपके भी उतने चांस बन जाते हैं यस ऑल कंपनीज आर गुड और आपको जहां भी प्लेसमेंट लगती है यार योर फर्स्ट जॉब इज वेरी गुड ठीक है कि आप एटलीस्ट यार उस भीड़ से आगे आ पाए जिसने अपने लिए जॉब क्रैक कर पाई एंड थर्ड मई की शाम नौ बजे तक हमने यार एक अर्ली बर्ड ऑफर रखा है एंड इट विल बी द लोएस्ट प्राइस इट विल एवर बी इट इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनको यार थोड़ा और अफोर्डेबल हम प्रोवाइड करा पाए तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है पढ़ना चाहता है हम आपके साथ काफी मेहनत करेंगे आप में भी मेहनत करने की हिम्मत है तो आप साथ में आ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वीडियो के नीचे उसके अंदर हमने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर जाके आप सिग्मा थ्री पॉइंट के वेबसाइट पेज पे आ जाएंगे और वहां से आप इनरोल करके बैच के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं सेवेंटींथ ऑफ मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी राइट तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं तब तक के लिए लव यू ऑल टेक केयर एंड